देखिए, कांग्रेस की जो जीत की बात है उसमें दो महत्वपूर्ण सीटें जो थी, दिल्ली से लगती हुई सोनीपत की सीट है और चंडीगढ़ से लगती हुई अंबाला की सीट है। और पहली बार आपको देखिए, हम दो गांव से मुलाकात कराते हैं, नवनिर्वाचित सांसदों से एक साथ एक फ्रेम में बातचीत कराते हैं। सबसे पहले ब्रह्मचारी जी, आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बड़ी शानदार जीत, वो भी सोनीपत जैसी सीट पे। मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहा, फाइट लास्ट तक रही। पहला रिएक्शन इस नतीजों पर, जीत के मार्जिन पर, और सोनीपत को कांग्रेस ने जो वापस हासिल किया। देखिए, सोनीपत लोकसभा की सभी जनता को, मतदाताओं को, हमारे नेताओं को, हमारे विधायकों को, कांग्रेस के कार्यकर्ता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में हमने ये चुनाव लड़ा और इसमें पूरी सफलता कांग्रेस को मिली। मैं हाईकमान का और विशेष करके हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान दिया। और कार्यकर्ता कहाँ छोटे, आप आप लड़ते रहे हैं, हरिद्वार से तमाम चुनाव आपने लड़े हैं, लेकिन हरियाणा में आए और एक लगातार सवाल आपका पीछा करता रहा और आपके जो अपोनेंट थे बीजेपी वाले, लास्ट तक यही एक नैरेटिव कहीं ना कहीं एक सवाल उठाते रहे कि आप बाहर के हैं। अब उसके बाद उस चीज का भी जवाब दीजिए और अभी आप लाइव हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मेरा जन्म पीलूखेड़ा ब्लॉक के गांगुली गांव में हुआ है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी मेरा घर तक जानते हैं, चाहे बड़ोली जी हों। क्यों कहा गया ऐसा बार बार? देखिए, चुनाव राजनीति में हर आदमी करता है, ठीक है। मेरा कर्मस्थली हरिद्वार रही है, मैं वहाँ चेयरमैन रहा हूँ 5 साल, विधायक का चुनाव भी लड़ा है और यहाँ पर मेरी जन्मभूमि सबको जानते हैं। हमारे यहाँ तो शास्त्र में लिखा है साफ, जननी जन्मभूमि चाहे स्वर्गात भी गृहसी, जननी माँ और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। और मेरे को मौका मिला है, ये विचार भी था मेरा। और मैं खास करके विशेष करके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हाईकमान को भी बधाई देना चाहता हूं कि मुझे यहां से टिकट दिया, सेवा करने का मौका। मार्जिन जो रहा, टफ फाइट रही, उस पे एक रिएक्शन जरूर चाहेंगे। हरियाणा के लोग तमाम आपको सुन रहे हैं, 20,000 के आसपास का जो जीत का लास्ट में मार्जिन रहा, टफ फाइट रही काफी। देखिए, 22,000 से तो हम जीते, 21,800 से दो तीन मशीनें भी खराब रही, उसमें हमारे ही वोट थे, हो सकता है ये 25 तक चली जाती। और कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया, गर्मी बहुत थी, हमारे विधायकों ने बहुत काम किया है, हर नेता ने काम किया है। हमने ये चुनाव श्रीमान श्री भूपेंद्र हुड्डा साहब के नेतृत्व में लड़ा हरियाणा में, खास करके सोनीपत लोकसभा में, और सफलता मिली है। जीत चाहे एक की हो चाहे 1,00,000 की हो, जीत तो जीत होती है भाई, तो जीत होती है। वरुण जी, आपसे भी थोड़ा सा आप आगे आ जाइए मेरे फ्रेम तक। और एक छोर था दिल्ली से लगता हुआ सतपाल जी का, ब्रह्मचारी जी हैं, साधु महात्मा वाली इमेज थी, ये जीत कर आए। आपकी जो साफ छवि थी, मैं कह रहा हूं बात और ये बात तमाम लोग भी कहते हैं आपके बारे में, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं इस सीट पर रहा, और जो सिंपति मिल सकती थी वो नहीं मिली, तमाम ऐसी चीजें रही। आपकी जो छवि थी उस पर भी काफी कुछ, अंबाला का और चंडीगढ़ से लगती हुई सीट है, और लोकसभा वाइज जो नंबर होते हैं, पहले नंबर की सीट है, तो खाता श्री गणेश आपकी सीट। बाद हमारे मुख्यमंत्री जी हैं प्रदेश के, उनका भी गांव भी, और उनकी जहां से वो पहले चुनाव लड़े हैं, और उसके बाद हमारे मंत्रीगण भी हैं, तो ठीक है, उन्होंने भी अपना चुनाव लड़ा, मेहनत की है, और हमारे साथ जो है जन जन की आवाज़ थी, जन जन का साथ था। सतपाल जी, आपसे एक सवाल जरूर लेना है, नवनिर्वाचित सांसद हैं, आपने ऐसी जीत दर्ज की और ये बीजेपी में जो कहते हैं ना भानुवती का जो कुनवा था उनका, उसमें ही विद्रोह कर दिया, क्योंकि ये तो कहा बड़ोली साहब ने साफ तौर पे कि फलाने आदमी ने मेरी मदद नहीं की, तो भीतरघात के आरोप तो आप लोगों पर लगते थे कांग्रेस के, ये एक ऐसी सीट नजर आई कि भीतरघात के आरोप बीजेपी वालों पर लग गए। देखिए, मेरे साथ तो सारे नेता कांग्रेस एक साथ थी, हमारे चौधरी जो प्रेसिडेंट, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने ऐसे किया कि यहाँ हमारे जो अध्यक्ष है चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में,
कांग्रेस संगठन एक साथ खड़ा था और जिसका नेतृत्व श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा साहब कर रहे हों, तो यहाँ तो एक भी ऐसा वो नहीं है कि भाई जिसपे मैं आरोप लगा सकूं। मैं न्यूज़ वाला आदमी हूँ, एक आध खबर तो मैं लेके जाऊँगा, जब इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहा हूँ। सीधी बात है इसमें, मुझे ये बता दो, नाम मत बताना, क्या बीजेपी के कुछ लोगों ने भी किसी वजह से, आप लोगों की लाइकिंग की वजह से या किसी फ्यूचर राजनीति को देखते, क्या आपकी मदद की? देखिए, हारने के बाद आदमी आरोप लगाता है। उनको पहले पता लग गया था कि मैं हार रहा हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे साथ केवल कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के वर्कर्स और ये सोनीपत की सरकार। गन्नौर में? मैं गन्नौर में भी मेरे साथ थे सब लोग। आप अपने मुंह से लेंगे नहीं, मैं क्लियर कह रहा हूँ, मेरे साथ टोटल कांग्रेस थी। मैंने बताया ना, संगठन के हमारे अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के जो मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, और मैं तो आज घोषणा भी कर सकता हूँ अगले मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में चुनाव एकजुट होके सभी विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने, मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, वहां से सिरसा से बात की तो सिरसा में भी शैलजा मैडम भी तैयारी कर रही है। ऐसे तो देखिये हाईकमान का काम है, ठीक है ना, मेरी भावना जो है मैंने आपको अवगत करा दी। और रही बात भाई, वो तो विधानसभा में विधायक होते हैं और हाईकमान जिसका नाम लेगा, मेरी भावना ये है कि हमने जो चुनाव लड़ा है माननीय श्री भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, चाहे मौलाना साहब हों, चाहे दीपेंद्र जी हों, चाहे हमारे जेपी साहब हों, कोई भी जीतने वाला जो भी निर्वाचित होके आया है, और इतना बढ़िया टिकट वितरण इतना बढ़िया यहाँ पर हुआ। चीजें तो लोकसभा के आ चुके हैं, उनका असर विधानसभा चुनावों पर किस तरह से पड़ेगा ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा ऐसा राज्य है जो सीधे तौर पर चुनाव में जाएगा, और चुनाव में यानी कि विधानसभा चुनाव में जाएगा। सतपाल जी, आपसे मैं शुरू कर रहा हूँ। ब्रह्मचारी साहब, आप धार्मिक पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं, भविष्यवाणी अगर करने का मौका आपको मिले, क्योंकि सांसद तो निर्वाचित हो चुके हैं, मैं आपकी जो पूजा पाठ का जो ज्ञान है उसके हिसाब से मौका देता हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे और हमारी भी भावना है, ठीक, भावनाओं को तो सम्मान सभी जगह होता है। और मैंने तो बड़ोली साहब को 11 बजे बता दिया था 22,330 से सतपाल ब्रह्मचारी जीतेगा, उनको पूछ सकते हैं आप जाकर। अच्छा, पहले आप अरुण जी, आंकड़ा अभी अगर मैं बात करूं, मौजूदा नायाब सरकार जो है क्या उस पर संकट है? हालांकि आप विधायक से सांसद हो गए हैं तो आपकी विधायकी जाएगी और एक नंबर जो कांग्रेस का कम हो जाएगा, ऐसे में अंक गणित क्या कहता है मौजूदा सरकार के लिए? मलिक साहब भी हमारे साथ बैठे हैं। देखिए, अभी यही है क्योंकि जेजेपी ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया था, हमारे जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं उन्होंने भी समर्थन वापस ले लिया था, तो अल्पमत में तो है ही है। और हम तो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने तो मांग करी है कि भी फ्लोर पे टेस्ट कराओ ना, दूध का दूध पानी का नंबर, नंबर नंबर क्या है मैं समझना चाहूँ, क्योंकि राजनीतिक आप लोग ज्यादा नंबर, आज के दिन 88 मेंबर्स हैं और उसमें 41 जो है बीजेपी के पास है, बाकी का तो अभी कोई फ्लोर टेस्ट पे ही पता लगेगा वो किधर जाएंगे, क्योंकि हालात ये है कि बीजेपी के मेंबर्स भी साथ नहीं देना चाहते, हालात इतनी बुरी हालत होगी बीजेपी की। कांग्रेस फ्लोर टेस्ट के लिए मांग करेगी जोरदार तरीके से, आप लोग कहोगे? ये तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब जो अपोजिशन के लीडर हैं वो डिसाइड करेंगे, हम तैयार बैठे हैं, जैसे हुड्डा साहब कहेंगे वही। आप लोगों की इंटरनल असेसमेंट में क्या है, कितने सेटिस्फाई हो, या लगता था कि सर 5-5 से ज्यादा भी सीट हो सकती थी? बिल्कुल चाह रहे थे बहुत कम से, जैसे राजबब्बर साहब हैं, राव दान सिंह हैं, कुछ कम मार्जिन से हारे। लोकसभा में 40-30 हजार का कोई मार्जिन नहीं होता, वैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन चुनाव बढ़िया लड़ा दोनों ने, दोनों वरिष्ठ नेता हैं। राजबब्बर साहब तो लास्ट तक आगे चलते रहे और राव दान सिंह जी भी बहुत अच्छा चुनाव लड़े सब। सतपाल जी, एक सवाल जरूर समझाइए कि जो 5-5 की बराबरी का मुकाबला है, 46 विधानसभा जीती है कांग्रेस ने, 44 भाजपा ने जीती है, उसका एज, उसके मायने, उसका संदेश विधानसभा में कितना असर डालेगा? डबल इंजन की सरकार थी जब 5 रह गई उनकी, मोदी जी ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या हमारे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने अयोध्या में हार गए, जहां राम मंदिर का इतना बड़ा था, आपने कहीं सुना राम मंदिर बनाया उन्होंने वोट दे दो? हमारे जो धार्मिक शंकराचार्य, चारों शंकराचार्यों ने एक साथ विरोध किया था कि अभी इसका उद्घाटन का समय नहीं है, मुहूर्त ठीक नहीं है, उसका नतीजा निकला है कि अयोध्या में उनका नुमाइंदा हार गया।
और यूपी का हाल देख सकते हैं। यूपी में आप 30-32 सीट आई है, भाजपा की जो कह रहे थे हम 60 पार जाएंगे, ये भगवान बीजेपी ने तो नतीजा सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाला रहा वो उत्तर प्रदेश में ही रहा। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि भाई भगवान राम की भी स्थापना सही मुहूर्त पे जिन्होंने ना कराई हो मंदिर की, और एक नारा चल शगुन खराब हो गया, शगुन तो खराब था, एक नारा दिया था हम राम को लाए हैं। अरे कम से कम ये तो सोच लो राम हमको लाए हैं या हम राम को लाए हैं, फायर किया है लोगों को, एक बार कुछ भी कह दें भगवान बना देंगे। जी विधायक जी आप कुछ कह रहे थे। देखिए जहाँ तक असेंबली का क्वेश्चन है, पिछली बार लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट नहीं थी, लेकिन विधानसभा में 31 सीट आई। यही तो भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि भाई जवाब तो पलट जाता है, ज्यादा खुशमत हो आप लोग। 31 सीट आई। आज भी अंडर करंट ये है कि आम आदमी के दिमाग में ये आ चुके हैं कांग्रेस की सरकार बहुत जाएगी, 75 पार बीजेपी की नहीं कांग्रेस का 75 पार। 75 पार का नारा कांग्रेस का दे रहे हैं, ये अपने आप आ गया, लोग दे रहे हैं। आप एक सवाल इसमें जरूर पूछूंगा, आप लोकसभा आज बड़े अच्छे मूड में बेबाकी से बात कर रहे हो, कांग्रेस का पेच ये फंस जाता है कि भाई इसकी लीडरशिप में लड़े उसकी लीडरशिप में लड़े, वो पेच आपस में जो गुत्थी करता है और कांग्रेस ही कांग्रेस की विरोधी हो जाती है। लीडरशिप कांग्रेस हाईकमान की होगी, जिसको वो टिकट देंगे, जिसको वो आगे करेंगे, उसी के नेतृत्व में। चेहरा कौन होगा हरियाणा में ये हाईकमान फैसला करेगा, लेकिन ये निश्चित है आज के दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है एक वाहिद लीडर है हरियाणा के कांग्रेस के, इससे बड़ा कोई इस चीज के बड़े मैटर होंगे, फायदा होगा नुकसान होगा क्या है कि भाई एक लीडरशिप में लड़ना, एक चेहरा घोषित करके लड़ना, क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस अपनाए सकती है? देखिए सभी नेता जैसे आप जानना चाह रहे हैं, चाहे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, चाहे हमारे उदय भान जी हैं, चाहे कुमारी शैलजा जी हैं, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, सभी कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, सब कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, एक ही छतरी के नीचे रहते हैं। चेहरा जो होता है वो चेहरा तो आप देखिए कि पिछली बार भी जो है, चाहे जितने भी चुनाव हुए हैं, चेहरा तो जैसे बताया कि विधायक दल जो है वो फाइनल करेगा, और चेहरा तो जनता ने बनाया हुए हैं, ठीक है, और बाकी जो है वो तो आप जानते हैं भली भांति कि विधायक दल फैसला लेता है और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेता है। मेरा सवाल सतपाल जी ये था कि किसी घोषित चेहरे के साथ जाने से कांग्रेस को फायदा होगा या फिर उसको चुनाव के बाद घोषित करने से फायदा होगा? ये हाई कमान का काम है बॉस, हमारा काम नहीं है, हमने अपनी भावना आपको बता दी है। कांग्रेस भी बड़े सवाल सवाल के जवाब देती है। एक आखिरी सवाल, इस सब जीत के मायने और हरियाणा के लिहाज से सबसे बड़ा मुद्दा क्या क्लिक किया? मैं आप तीनों से सवाल है। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा हरियाणा में, किसान का मुद्दा है, व्यापारी का मुद्दा है, गुंडागर्दी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे एकदम आपने देख रहे होंगे पूरे हरियाणा में जंगल राज है, इसको समाप्त करना कांग्रेस का पहला काम होगा। क्या क्या मुद्दे रहे जो क्लिक कर गए? और क्योंकि केंद्र से ज्यादा मैंने एक आकलन किया था इस चुनाव में कि केंद्र के मुद्दों से ज्यादा आप हरियाणा के मुद्दों को लेकर चल रहे थे, और चुनाव कहीं ना कहीं केंद्र के मतलब यानी कि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर और बीजेपी कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा हरियाणा बीजेपी वर्सेज हरियाणा कांग्रेस थे, और ये मैं एसेस करके कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, जो मैंने आपके तमाम लोकसभाओं में जाकर महसूस किया, तो ये चुनाव बना लोकल बना और हरियाणा का चुनाव बना। देखिए तानाशाही के खिलाफ थे, दुखी हो गए थे, तानाशाही लोकतंत्र के अंदर तानाशाही का कोई स्थान नहीं है, जुमलेबाजी का कोई स्थान नहीं है, और जैसे अभी ब्रह्मचारी जी ने कहा, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो बढ़ता हुआ नशा है, जैसे आपने हरियाणा की बात करी, बेरोजगारी पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमारे प्रदेश में है, नशा इतना बड़ा है पिछले 10 सालों में इस भाजपा के राज में, कोई कंट्रोल नहीं हुआ, अपराध भी NCRB की रिपोर्ट है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा है, जितना अपराध बढ़ा है कहीं ना कहीं जनता सोचती है सरकार बनाई किस लिए है। एक सवाल मलिक जी आपसे, क्या टिकट बंटवारे में भी कोई चूक हुई गुड़गांव को लेकर और करनाल को लेकर? थोड़े सवाल भी उठ रहे हैं कि और बेहतर अगर उम्मीदवार देते तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। मेरे ख्याल में इससे बेहतर उम्मीदवार हो नहीं सकते थे, सोशल इंजीनियरिंग करके सब जातियों को साथ लेके टिकट दी गई है, और इससे बेटर कोई हो नहीं सकता। सोनीपत की जनता को एक आप आपके जरिए और एक आप अम्बाला की जनता जो तमाम जो तीन जिले आते हैं, सोनीपत के लिए जो आपका संदेश है? मेरा सोनीपत के लिए यही संदेश है कि भाई मुझे आपने सेवा करने का मौका दिया है, और मैं निरंतर सोनीपत लोकसभा की सेवा करता रहूंगा, मत पछताना नहीं पड़ेगा, जैसे हाईकमान ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश नहीं, पूरा जोर लगा के जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है, चाहे हाईकमान और चाहे हमारे चौधरी उदय भान जी और हमारे
पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, हाई कमान ने जो मुझ पर विश्वास किया उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश नहीं, पूरा प्रयास करूंगा कि मैं सोनीपत की जनता ये ना कहे कि हमने सतपाल ब्रह्मचारी को एमपी चुना था और वो दिखाई नहीं दिए जैसे पूर्व लोगों के लिए कहा गया। मैं हमेशा रात दिन सोनीपत लोकसभा में रह करके सेवा करूंगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने, वरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जो विधायक भी हमारे साथ थे और दो नवनिर्वाचित सांसद भी थे। बैक टू द स्टूडियो। शुक्रिया विनोद आपका।